कोरोना काल में हम तमाम कोरोना वॉरियर की बात करते हैं, लेकिन इन सबके बीच उन्हें भूल जाते हैं जिस पर पूरा का पूरा सिस्टम आधारित होता है। ये तबका है मजदूरों का। हर एक सेक्टर इनकी वजह से ही आगे बढ़ता है। कंपनियों में, खदानों में, मंडियों में काम होता है। कोरोना काल में जीवन और जीविका चले, इसकी बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उन मजदूरों को भूल जा रहे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। रिपोर्ट को देखिए। 1 मई यानी मजदूर दिवस, जब होती है मजदूरों के हित की बात, उनके अधिकारों की बात। लेकिन इस कोरोना काल में जब हालत बेकाबू होते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से जारी के गाइडलाइन में खनन उद्योग को जारी रखने का निर्देश दिया गया है, ऐसे में धनबाद के झरिया स्थित KOCP लोडिंग प्वाइंट पर मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन मजदूरों को मास्क तक नहीं दिया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा संबंधित उन्हें जूता और ना ही हेलमेट दिया जा रहा है। वहीं मजदूर नेताओं की माने तो मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मजदूर अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं, इसलिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। मजदूर लोग भी अपना जो है जो दूरी बनाकर मेंटेन करके वो काम कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन और BCCL प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, जो भी व्यवस्था है उसको उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन मजदूर जो है अपने आप में ये अथी करके दूरी मेंटेन करके जो है काम कर रहे हैं। और मजदूर तो मजबूर होता है, क्या करेंगे वो, इसलिए कि डेली कमाने खाने, आज अगर नहीं कमाते हैं तो कल उसका रोजी रोटी जो है चूल्हा नहीं जलेगा। कोल इंडिया ने सुरक्षा का जिम्मा CISF के जवानों के हाथों में दे रखा है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात CISF के जवान भी बिना मास्क के देखे जाते हैं। वैसे तो मजदूरों की मेहनत की बदौलत ही कोल इंडिया कोयला का डिस्पैच और प्रोडक्शन कर पाती है। बावजूद इसके मजदूरों को ना तो जिला प्रशासन ना ही BCCL कभी देखता है कि आखिर उन्हें किस तरह की समस्या है। वही मजदूरों की माने तो कोयला खनन करने वाली मिनीरत्न कंपनी BCCL और जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं दी गई है। मजदूरों ने जिला प्रशासन और विभाग से मजदूरों को वैक्सीन दिलाने की बात की है, साथ ही उन्होंने मास्क के साथ साथ समय समय पर सैनिटाइजेशन की भी मांग की। BCCL से कुछ भी नहीं दिया, हम लोग अपना अपने से कीन के अपना मेहनत कर रहे हैं और लगा के रहते हैं, और नहीं BGR दिया कुछ भी व्यवस्था हम लोग का। जूता है? कुछ भी नहीं, ना जूता देता है, ना टोपी देता है, नहीं मास्क भी नहीं दिया, हमने अपने से कीन के लगाया था। खनन उद्योग को इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन विभाग के गलत खनन नीतियों और नियमों की अनदेखी करने का परिणाम कोयला मजदूरों के साथ साथ खनन उद्योग के लिए भी अभिशाप बनता जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से अंकित झा की रिपोर्ट। झरिया से अंकित जुड़ रहे, सीधे लाइव उनसे हम चर्चा करेंगे। इस कोविड काल में मजदूरों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम का यह भी हिस्सा है। लोडिंग प्वाइंट पर कोयला लोड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है। अंकित, हमारी आवाज जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मजदूरों का दर्द, आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों का दर्द कैसे होगा, दर्द का निवारण कहे तो अगर मजदूरों की बात करें तो आज देश की कोयला राजधानी धनबाद में असंगठित मजदूर हो या संगठित मजदूर, ये मजदूर कोयला निकालने का काम करती है और इसके पास अगर कहे तो इस कोरोना की दूसरी लहर में ना तो इसके पास में मास्क है और ना ही सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था दिया गया है। BCCL सिर्फ मुनाफा के लिए मजदूर को लगाते हैं और कोयला निकलवाने का काम करते हैं, चाहे वो संगठित मजदूर से हो या असंगठित मजदूर से, लेकिन मजदूरों के पास इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए ना तो मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइजर है और ना ही उसके पास काम करने के लिए सेफ्टी के लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था है, ना उसके पास ग्लव्स है, ना जूता है, ना टोपी है, ना जूता है, किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ कोयला निकाल करके और BCCL को मुनाफा देने का काम करती है यही मजदूर, और इसी मजदूर के कोयले निकालने से पूरा देश जगमगाता है, पूरा रोशन करता है, लेकिन आज कहे तो चिराग तले अंधेला वही हिसाब किताब देखने को मिलता है। मजदूरों के पास किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कहते हैं मजदूर है साहेब मजबूर है, दूर है। और इस कोरोना काल में मजदूरों को आप अपेक्षा उनकी नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये मजदूर जिनकी वजह से आज देश रोशन हो रहा है। लोडिंग पॉइंट पर देखिए कितनी जरूरत है काफी चीजों की, चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें।
इन तमाम सुविधाओं की जरूरत इन मजदूरों को है। बीसीसीएल प्रबंधक को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि इन मजदूरों का ख्याल रखे।